हेलो गाइज, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेज। मेरा नाम है सचिन, मैं आप लोगों को बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनुष्य में पोषण। पिछले लेक्चर में हम लोग समपोषी विषमपोषी पोषण के बारे में जान लिए थे, अमीबा में पोषण कैसे होता है इसके बारे में जान लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग मनुष्य में पोषण कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो गाइज, मनुष्य में पोषण क्या होता है? भोजन के रूप में लिए गए अकार्बनिक पदार्थों को एंजाइमों तथा विभिन्न प्रकार के लार एंजाइमों के द्वारा उसे सरल टुकड़ों में विभाजित करके ऊर्जा के रूप में उसे प्राप्त करते हैं, तो उसे हम लोग पाचन कहते हैं। तो गाइज, आइए लिखते हैं मनुष्य में पाचन तंत्र के बारे में। तो आइए, हम लोगों का पहला जो हेडिंग है वह है पाचन। पाचन वह जैव रासायनिक प्रक्रम है, जो लिए गए भोज पदार्थों को लिए गए कार्बनिक भोज्य पदार्थों को भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़कर भोजन को पचाता है, डाइजेशन करता है फूड को, तो उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। तो उसे पाचन कहते हैं। इट्स कॉल्ड डाइजेशन। तो गाइस, यह हो गया हम लोगों का पाचन की परिभाषा। पाचन क्या होता है? पाचन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो लिए गए भोज्य पदार्थों को, और कौन सा भोज्य पदार्थ होगा? कार्बनिक आधारित, क्योंकि यह जो पृथ्वी पर सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं सब कार्बनिक आधारित हैं, तो जो भोजन हम लोग ग्रहण करेंगे वह भी कार्बनिक आधारित होगा। तो लिए गए कार्बनिक आधारित भोजन को वह सरल अणुओं में तोड़कर पचाता है, तो उसे हम लोग पाचन कहते हैं। पाचन की क्रिया में सहायक अंगों को हम लोग पाचन तंत्र कहेंगे। तो गाइस, पाचन तंत्र में ऐसे कौन कौन से सहायक अंग है, आइए उसके नाम जान लेते हैं। पहला हो जाएगा मुख, दूसरा हो जाएगा मुख गुहा, तीसरा हो जाएगा जिह्वा जिसे हम लोग जीभ बोलते हैं, चौथा हो जाएगा लार ग्रंथियां, पांचवा हो जाएगा ग्रसनी, छठवां हो जाएगा ग्रसिका, सातवां हो जाएगा आमाशय, आठवां हो जाएगा यकृत, नौवां हो जाएगा अग्नाशय, दसवां हो जाएगा छोटी आंत, ग्यारहवां हो जाएगा बड़ी आंत, बारहवां हो जाएगा परिशेषिका, और तेरहवां हो जाएगा गुदा द्वार। तो गाइस, यह सब हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित तंत्र हैं जो पाचन की क्रिया को संपूर्ण कराते हैं, तो इन सभी को हम लोग सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहेंगे। तो गाइस, आइए हम लोग पाचन तंत्र का नाम लिखते हैं। कितने प्रकार के पाचन तंत्र होते हैं, उसके क्या कार्य हैं, उससे किस प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो गाइस, आइए हम लोग पहले जितने भी पाचन तंत्र में सहायक अंग है उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है, पहला है मुख, दूसरा मुख गुहा, तीसरा ग्रसनी, चौथा ग्रसिका, पांचवा आमाशय, छठवां यकृत, सातवां पित्ताशय, यकृत में ही पित्ताशय पाया जाएगा, फिर इसके बाद अग्नाशय, बड़ियां, छोटियां, परिशेषिका, गुदाद्वार, ग्रहणी। गाइज, इन सब के बारे में हम लोग अब बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो गाइज, हम लोग पाचन के बारे में जान लिए।
तो अब हम लोग इसके बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो गाइज अब इसमें हम लोगों का जो पहला टॉपिक होगा वह होगा मुख। तो गाइज मुख क्या होता है? मुख हम लोगों को जो हम लोग पके हुए भोज्य पदार्थ खाते हैं तो मुख के द्वारा उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर चबाते हैं। मतलब जो हम लोग भोजन करेंगे बाय माध्यम से, जो बाय प्रकार से हम लोग भोजन को करेंगे, वह जो मुख होता है वह भोजन को चबाने में सहायक करता है। तथा मुख में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रजनक, अग्रचौड़क, चौड़क। इनके क्या कार्य हैं हम लोग इनके बारे में भी जानेंगे। इसके पश्चात मुख गुहा क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो गाइस इसमें हम लोगों का पहला जो है वह है मुख, पहला टॉपिक जो है वह है मुख, पहला है मुख जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माउथ। तो गाइस मुख क्या होता है? यह है पके हुए या पके हुए भोज्य पदार्थों को छोटा छोटा करता है। तो गाइस इसमें पहला हो गया यह पके हुए भोज्य पदार्थों को छोटा छोटा करता है। फिर इसके पश्चात इसमें दूसरा क्या होगा? इसमें दूसरा होगा, इसमें चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसमें चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। तो गाइस किस प्रकार के दांत होंगे? इसमें पहला होगा कृंतक। इसमें पहला कौन सा दांत होगा? कृंतक। पहला हो जाएगा ए, कृंतक। गाइस इसमें पहला दांत हो जाएगा कृंतक, जिसका इंग्लिश हो जाएगा इंसीजर्स, इन सीजर्स, इन सीजर्स। गाइस दूसरा हो जाएगा रदनक, दूसरा हो जाएगा रदनक, जिसका स्पेलिंग होगा कैनिन्स, कैनिन्स। तीसरा हो जाएगा अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, इसका स्पेलिंग हो जाएगा प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स। इसके बाद चौथा वाला हो जाएगा चौड़क, जिसका स्पेलिंग होगा मोलर्स। तो गाइज यह जो मुख में पाए जाने वाले दांत है उसके टाइप्स हैं। पहला हो जाएगा इंसीजर, दूसरा हो जाएगा कैनिस, तीसरा हो जाएगा प्रीमोलर्स, चौथा हो जाएगा मोलर्स। तो इनके क्या कार्य है आइए हम लोग जानते हैं। तो यह जो कृंतक होता है, जो कृंतक दांत होता है, यह भोजन को काटने में मदद करता है, यह भोजन को काटता है, यह भोजन को काटता है। और जो इसकी संख्या होती है हमारे मुख में आठ होती है, चार नीचे जबड़े की तरफ और चार ऊपर जबड़े की तरफ। तो गाइस इसकी जो संख्या हमारे मुख में होती है वह चार होती है, चार हमारे नीचे के जबड़े की तरफ रहेंगे, चार ऊपर के जबड़े की तरफ रहेंगे। इसके पास रदनक, यह भोजन को चीरता फाड़ता है, यह भोजन को चीरता है। मतलब जो भोजन कठोर भोजन रहेगा तो इसी के द्वारा उसे चीड़ा जाएगा, चीड़ता है। और गाइस इसकी संख्या जो होगी यह चार होगी, ये नुकीले होते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में दो इनकी संख्या होती है।
नीचे दो होते हैं, ऊपर दो होते हैं। गाइज इनका जो आकार होता है, इनका आकार कुछ इस प्रकार का होता है। गाइज एकदम नुकीले होते हैं, यहीं से ये भोजन को चिड़ते फाड़ते हैं। और यह जो हम लोगों का इसमें कृंतक है, इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। इसी के द्वारा यहाँ से हम लोग भोजन को काटते हैं। और जो रत्नक होता है, इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है, यह भोजन को चिड़ता फाड़ता है। तो गाइज यह हो गया। अब हम लोग तीसरा लिखेंगे अग्रचौड़क, यह भोजन को पीसता है, यह भोजन को पीसता है, यह भोजन को पीसता है, यह भोजन को पीसता है। गाइज इसकी संख्या, इसकी संख्या हो जाएगी आठ, या चार ऊपर की तरफ होंगे, चार नीचे की तरफ होंगे। फिर इसके पश्चात गाइज जो चौड़क मोलर्स, यह भी भोजन को पीसता है, यह भी भोजन को, यह भी भोजन को पीसता है, यह भी भोजन को पीसता है। गाइज इसकी संख्या, इसकी संख्या बारह होती है, छह नीचे के जबड़े की तरफ, छह ऊपर के जबड़े की तरफ, तीन हम लोगों के इस जबड़े के इस साइड, और तीन इस जबड़े के इस साइड, और तीन ऊपर ऊपर होते हैं। तो गाइज अब हम लोग दांतों की संख्या काउंट करते हैं, तो हम लोगों का आठ चार बारह, बारह आठ बीस, बीस बारह बत्तीस, तो टोटली हम लोगों का 32 दांतों की संख्या आता है। तो गाइज एक व्यस्त मनुष्य के शरीर में जो उनके मुख में दांत होते हैं वह 32 होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें रत्नक, अग्रचौड़क, चौड़क, कृंतक, इस प्रकार के इनकी संरचना होती है, तथा इस प्रकार से ये उसमें पाए जाते हैं। तो गाइज दांतों में जो मुख में हमारे दांत होते हैं, जो हमारा मुख होता है, इसका सबसे मुख्य कार्य वह है या भोजन को पीसता है, या भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसता है। गाइज यह हो गया हमारे मुख का कार्य। अब इसके पश्चात हम लोग जानेंगे दूसरा मुख गुहा क्या होता है। दूसरा मुख गुहा, मुख गुहा, गाइज मुख गुहा क्या होता है, आइए अब हम लोग मुख गुहा के बारे में जानते हैं। तो गाइज ये जो मुख गुहा है यहां पे पाया जाता है, इसका स्पेलिंग होता है बकल कैविटी, बकल कैविटी। तो गाइज यह जो मुख गुहा है यह मुख के पीछे स्थित होता है। देखिए यह यहाँ पे मुख है और इसके बाद मुख गुहा है। मुख गुहा मुख के पीछे स्थित होता है, इसी में जीभ स्थित होता है। मुख के पीछे वाली संरचना को मुख गुहा कहते हैं, या जिसमें जीभ उपस्थित होता है उसे हम लोग मुख गुहा कहते हैं। तो गाइज आइए इसके बारे में लिखते हैं, मुख के पीछे भाग को, मुख के पीछे वाले 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 भाग को मुख गुहा कहते हैं। मुख के पीछे वाले भाग को मुख गुहा कहते हैं। मुख के पीछे वाले भाग को मुख गुहा कहते हैं। और गाइज इसमें दूसरा क्या होगा, दूसरा इसी में जीभ उपस्थित होता है। दूसरा दूसरा जो होगा वह होगा इसी में जीभ उपस्थित होते हैं, इसी में जीभ उपस्थित होते हैं, इसी में जीभ उपस्थित होता है, इसी में जीभ उपस्थित होता है। तो गाइज इसमें दूसरा उत्तर इसका है मुख गुहा में बकल कैविटी का, कि यह यहाँ पर यह जो मुख है इसके पीछे वाली संरचना को हम लोग मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा में जीभ उपस्थित होता है। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का पहला मुख, दूसरा मुख गुहा के बारे में। तो गाइज जब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, अब जो हम लोगों का तीसरा है वह है जीभ। गाइज इसमें हम लोगों का जो तीसरा संरचना आता है वह है जीभ, टांगियो, टांग, टांग जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं टांग, जीभ।
गाइस, जो हमारा जीभ होता है वो यहाँ पर पाया जाता है, जो हम लोगों का जीभ होता है वो यहाँ मुख गुहा के अंदर, इसे हम लोग जीभ बोलते हैं। तो गाइस, जो हम लोगों का जीभ पाया जाएगा यहाँ मुख गुहा के अंदर, यहाँ पर पाया जाएगा। तो गाइस, अब हम लोगों का इसमें तीसरा है जीभ। हम लोग आइए इसमें तीसरा जीभ के बारे में पढ़ते हैं। जीभ की क्या भूमिका होती है? जीभ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टांग्यो। तो गाइस, आइए हम लोग जीभ के बारे में पहला लिखते हैं, यह मुख गुहा के अंदर होती है। यह मुख गुहा के अंदर होती है, यह मुख गुहा के अंदर होती है। और गाइस, दूसरा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यह आगे स्वतंत्र रूप से खुला व पीछे पेशीय भाग से जुड़ा रहता है। पीछे पेशीय भाग से जुड़ा रहता है, वह पीछे पेशी भाग से जुड़ा रहता है, पीछे पेशी भाग से जुड़ा रहता है। इसके पश्चात गाइस, इसमें तीसरा, मान लीजिए यह मुख गुहा में स्थित होता है, जो हम लोगों का जीभ होता है यह आगे की तरफ स्वतंत्र रूप से स्थित होता है, पीछे जुड़ा रहता है। इसका मतलब जो हम लोगों का जीभ का बाहरी भाग होता है वह बाहर हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग उसी के द्वारा बोल सकते हैं। और जो हमारा जो जैसे मान लीजिए यह हम लोगों का माउथ है ना, यह हम लोगों का माउथ है ना, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसका आधा पार्ट नीचे वाला पार्ट ही है, तो यहाँ पर यह जो जीभ है ऐसे जीभ पीछे से चिपका रहेगा, आगे की तरफ जीभ बोलने में मदद करेगा, मतलब आगे की तरफ जीभ जो है वह स्वतंत्र रूप से मुक्त रहेगा और पीछे वह चिपका रहेगा पेशी भाग से। और गाइस, तीसरा इसमें क्या होता है, यह भोजन में लार को मिलाता है। और गाइस, चौथा पॉइंट, इसमें चार प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं गाइस क्या होती हैं? जो स्वाद को चखने में मदद करती हैं, मतलब जो स्वाद के टेस्ट को बताती हैं, उसे हम लोग स्वाद कलिकाएं कहते हैं। तो इसमें चार प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं ना। पहला जो स्वाद कलिका होगा वह नमकीन, पहला तो जैसे मान लीजिए यह जीभ है ना, यह कोई जीभ है, इस प्रकार से जीभ की संरचना होती है। जीभ है, जैसे मान लीजिए गाइस यह है हम लोगों का टंग, तो जीभ में जो आगे की तरफ ये भाग होता है ये मीठे भाग को पहचानता है, या मीठे स्वाद को। और जो इसके यहाँ पर थोड़ा सा इसके आगे इस यहाँ पर जो भाग होता है यह नमकीन भाग को पहचानता है, साल्ट टेस्ट को पहचानता है, यह नमकीन टेस्ट को पहचानता है, या नमकीन टेस्ट को। इसके पश्चात यहाँ पर जो ये दोनों इस प्रकार के इधर इधर संरचनाएँ होती हैं, थोड़ा नमकीन वाले भाग के ऊपर ये दोनों जो होती हैं ये खट्टे स्वाद को पहचानती हैं, खट्टे टेस्ट को। फिर इसके पश्चात यहाँ पर जो है ये अंतिम वाला भाग, यहाँ पर इसके पश्चात जो अजीब है या पेशी भाग से ऐसे जुड़ा रहेगा, और ये वाला जो होता है ये वाले कड़वे टेस्ट को पहचानता है, ये वाला जो होता है यह कड़वा टेस्ट को पहचानता है, कड़वा टेस्ट। तो गाइस, इसमें चार प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती हैं। पहला कलिका मीठे स्वाद को पहचानती है, दूसरा नमकीन स्वाद को, तीसरा खट्टे स्वाद को, और चौथा कड़वे स्वाद को। सबसे जीभ के सबसे आगे वाले भाग में मीठे टेस्ट का परीक्षण करने के लिए यहाँ पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। फिर इसके पश्चात इसके ठीक पीछे,
इसके ठीक पीछे नमकीन स्वाद को, फिर इसके और पीछे दोनों जीभों के साइड में किनारे किनारे पर खट्टे टेस्ट को पहचानने के लिए होती हैं, फिर इसके एकदम पीछे कड़वे भाग को, जैसे हम लोग कुछ कड़वा चीज़ खा ले तो हमारे जीभ के सबसे आंतरिक भाग में पता चलता है, वो यहीं पर होता है, कड़वा स्वाद को पहचानता है। तो गाइज हम लोग जीभ में चार प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती है, इसके बारे में जान लिए। तो गाइज यही है हम लोगों का जीभ में कार्य, जो हमारे पाचन तंत्र में जीभ का कार्य है यही है कि जीभ जो होता है यह मुख गुहा में स्थित होता है, इसके बाद यह आगे स्वतंत्र रूप से खुला हुआ पीछे पेशी भाग में जकड़ा रहता है, यह भोजन में पूर्ण रूप से लार को मिलाता है, और इसमें चार प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती हैं जिसमें हम लोग स्वाद को पहचानते हैं। तो गाइस जब इसके पश्चात हम लोगों का जो चौथा टॉपिक है वह है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथि क्या होता है? तो गाय जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो हम लोग भोजन खाते हैं इसका पाचन मुख से शुरू हो जाता है, तो कैसे होता है आइए हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि भोजन का पाचन मुख से कैसे होता है। तो जो लार ग्रंथियां होती हैं इन्हीं के द्वारा ही हमारे भोजन का पाचन होता है, जो लार ग्रंथियां होती हैं। तो गाय चौथा हो जाएगा हम लोगों का लार ग्रंथियां, जो हम लोगों का चौथा है वह है लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां। तो गाइस लार ग्रंथियां क्या होती हैं? वे ग्रंथियां जो भोजन के पाचन के लिए लार को स्रावित करते हैं तो उसे हम लोग लार ग्रंथियां कहते हैं। अब लार ग्रंथियां कहाँ पर स्थित होती हैं? तो गाय जैसे मान लीजिए यह हम लोगों का मुख है ना, तो एक लार ग्रंथि यहाँ पर स्थित होगा, यहाँ पर, जिसे हम लोग कर्ण पूर्व ग्रंथि कहेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कर्ण पूर्व ग्रंथि, कर्ण पूर्व ग्रंथि। इसके पश्चात एक यहाँ पर होगी जिसे हम लोग अधोजिह्वा ग्रंथि बोलेंगे, अधोजिह्वा, अधोजिह्वा। फिर गाय जिसके पश्चात एक यहाँ पर होता है जिसे हम लोग अधोहनु बोलते हैं, अधोहनु, अधोहनु। तो गाय तीन प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कर्णपूर्व ग्रंथि है इसके द्वारा लाइसो, लाइजोसाइम, लाइसोजाइम और टाइलिन, लाइसोजाइम और टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो भोजन में मंड को, जो भोजन में मंड होता है, हमारे भोजन में जो मंड होता है इसको या ग्लूकोज में नहीं शर्करा में रूपांतरित कर देता है, जिससे भोजन का स्वाद मीठा हो जाता है। तो यहीं से हमारे भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। तो गाय जाइए हम लोग लार ग्रंथियाँ हैं, तो इसमें पहला हो जाएगा ये वाला कर्णपूर्व ग्रंथि, ये वाला हो जाएगा कर्ण पूर्व ग्रंथि, और गाय जिसी में बी वाला है अधोहनु ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि, और तीसरा वाला है सी वाला अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि। तो गाइज यह जो है कर्णपूर्व ग्रंथि हमारे प्रत्येक गालों के सतहों पर, गालों के आंतरिक सतहों में जो हमारे कर्ण होते हैं इसके नीचे होती है, कर्ण के नीचे होने के कारण इसका नाम कर्णपूर्व ग्रंथि पड़ा। कानों के नीचे होती हैं और प्रत्येक दोनों गालों की तरफ होते, दोनों मतलब चेहरे के दोनों गालों की तरफ होती है, इसके साथ साथ कानों के नीचे होती है, इसलिए इनका नाम कर्णपूर्व ग्रंथि पड़ा। ये जो कर्णपूर्व ग्रंथि हैं यह हमारे कानों के नीचे होती हैं, प्रत्येक गालों के दोनों आंतरिक, प्रत्येक गालों के दोनों ओर होती हैं। तो गाइस यह जो है यह कर्णपूर्व ग्रंथि या एक्सटेंशन डक्ट, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन नलिका के द्वारा अपने जो एंजाइम है उसको स्रावित करती है, इस टेंशन नलिका के द्वारा, और कहाँ पर स्रावित करती है? हमारे मुख गुहा में, ताकि जो हम लोग भोजन खा रहे हैं, जो हमारा जीभ है वह पूरी तरह से जो भोजन है उसमें लार को मिलाता जाए, तो यहीं से पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो ये जो लार होते हैं इन्हीं के द्वारा ही पाचन क्रिया मुख से ही शुरू होती है, तो इस टेंशन नलिका के द्वारा होती है। और इसमें कौन कौन से जो एंजाइम है स्रावित होते हैं, तो होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम,
लाइसोजाइम प्लस टाइलिन, लाइसोजाइम प्लस टाइलिन नामक एंजाइम को स्रावित करती हैं। और कौन सी ग्रंथियां करती हैं? कर्णपूर ग्रंथियां करती हैं। कर्णपूर ग्रंथियां कहाँ होती हैं? प्रत्येक गालों के दोनों सतहों पर और दोनों कानों के नीचे, इसलिए इनका नाम कर्णपूर ग्रंथ पड़ा। इसके पश्चात गाइस ये दो प्रकार के एंजाइम को स्रावित करती हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन। जो लाइसोजाइम होता है या भोजन में जो कीटाणु हैं, भोजन में कीटाणु होते हैं इनको नष्ट करता है। लाइसोजाइम नष्ट करता है। और इसके पश्चात जो टाइलिन होता है, जो भोजन में मंड होता है इसको शर्करा में परिवर्तित कर देता है। कौन करता है? टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम जो भोजन होता है, जो इसमें मंड होता है, उसे शर्करा में परिवर्तित कर देता है, जिससे जो होता है भोजन का स्वाद मीठा हो जाता है। तो गाइस यहीं से हमारे भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर लाइसोजाइम यह होता है, लाइसोजाइम भोजन में कीटाणुओं को नष्ट किया। इसके पश्चात जो टाइलिन है या भोजन में जो मंड है, जो पहले से ही लार मिलता है भोजन में, तो वह मंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब मंड के रूप में कौन से लार्ग परिवर्तित होता है? तो लाला ग्रंथ के द्वारा, लाला रस के द्वारा। जो लाला ग्रंथ होती है वह लाला रस को स्रावित करती है, जिसके द्वारा जो भोजन होता है वह मंड में परिवर्तित हो जाता है। और जो टाइलिन होता है या भोजन के मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है, जिससे भोजन का स्वाद मीठा हो जाता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का कर्णपूर ग्रंथ। और जो अधोहन ग्रंथ अपने एंजाइम को स्रावित करती है, जो अधोहन वह होती है वहार टंस नलिका के द्वारा जो यह अपने एंजाइम को स्रावित करती है या भोजन को पाचन के लिए करती है। और जो यह अधोजिह्वा ग्रंथि है या बर्थोलिन नलिका के द्वारा अपने हार्मोन्स एंजाइम को स्रावित करती है, बर्थोलिन नलिका के द्वारा। तो गाइज इसमें नलिका का नाम बर्थोलिन, इसमें वार्टन्स और इसमें स्टेंसन नलिका। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का लार ग्रंथिया। अब जो इसमें यह सब इसी को बढ़ावा देंगी, यह सब किसी जिस प्रकार के एंजाइम को स्रावित करेंगे, ये सारे एंजाइम इस दोनों की जो इसके सक्रियता है इसको बढ़ाएंगे। लाइसोजाइम और टाइलिन की सक्रियता को, जो अधोहन के द्वारा स्रावित हार्मोन्स है इसकी सक्रिय, ये इसके द्वारा जो स्रावित एंजाइम है ये इसके सक्रियता को बढ़ाएंगे। और यह जो है लाइसोजाइम भोजन में जीवाणु को नष्ट करेगा, और जो टाइलिन है भोजन के मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देगा। तो गाइस यहीं से हमारे भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का लार ग्रंथिया के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी की लंबाई क्या होती है? पैरिक्स। ग्रसनी का स्पेलिंग होता है इंग्लिश पैरिक्स। इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। गाइस जब हम लोगों का पांचवा है इसमें ग्रसनी। गाइस जब हम लोग देख लिए कि भोजन का पाचन मुख से ही कैसे होता है, वह होता है जो मुख में पाया जाता है कर्णपूर ग्रंथ, जो लाइसोजाइम व टाइलिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है, और इसको मिलाने का कार्य हमारा जीभ करता है। जीभ पूरी तरह से इसे मिलाएगा, मिलाने के पश्चात यहीं से जो भोजन में मंड रहेगा वह शर्करा में रूपांतरित हो जाएगा। तो गाइस जब हम लोगों का इसमें है, हम लोग किसके बारे में पढ़े? मुख पढ़े, मुखगुहा पढ़े, जीभ पढ़े, लार ग्रंथियां पढ़े। अब हम लोगों का है पांचवा ग्रसनी। पांचवा है ग्रसनी जिसका स्पेलिंग होता है फेरिक्स। तो गाइस ग्रसनी क्या होता है? ग्रसनी यहां से जो हमारा मुख गुहा से लेकर जो ग्रसनी है, या मुख गुहा से लेकर
12 से 14 सेंटीमीटर मुख गुहा से लेकर 12 से 14 सेंटीमीटर तक यह लंबी होती है, जो हम लोगों का यह है ग्रसनी या मुख गुहा से पीछे की संरचना होती है, इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। और गाइस यह जो ग्रसनी है इसी में ही हमारा जो श्वास नली होता है वह भी स्थित होता है और जो भोजन जाता है ग्रसिका वह भी स्थित होता है। जैसे गाइस मान लीजिए यह हम लोगों का यहाँ से है, ये है हम लोगों का ग्रसनी, तो अब यहीं से ही यहीं से हम लोगों का श्वास नली हो गया और यहीं से हम लोगों का यह होगा ग्रसिका। जैसे मान लीजिए यह हो गया ग्रसिका और यह हो गया हम लोगों का श्वास नली, श्वास नली। तो गाइज अब यह हम लोगों का जो ग्रसनी है यह है ग्रसनी। अब गाइज ग्रसनी में यहाँ पर जो बड़ा सा छिद्र है, यहाँ पर यह जो छिद्र है यहाँ पर, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, निगल द्वार, निगल द्वार। और जो यहाँ पर श्वास नली और ग्रसनी के मध्य छिद्र है इसे हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग इसे तो हम लोग निगल द्वार बोलेंगे और इसे हम लोग श्वास नली छिद्र बोलेंगे, श्वास नली छिद्र। तो गाइज अब मान लीजिए जैसे हम लोगों का यहाँ से भोजन जो है टुकड़ों में यहाँ पर ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए अगर भोजन आएगा ये दोनों खुले हैं तो यह इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, और जो भोजन है उसको श्वास नली में जाना नहीं है, ग्रसनी में जाना है। तो यहाँ पर एक ऐसे पेशीनुमा संरचना होती है, पेशीनुमा संरचना होती है। तो जब जैसे भोजन यहाँ से आता है, भोजन पानी यहाँ से आता है, तो यह जो है इसके भाग को, जो श्वास नली के भाग को है ऐसे पूर्णतः ढक लेती है। ढकने के पश्चात जो भोजन है वह यहाँ ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में चला जाएगा। तो गाइस यहाँ पर यह जंक्शन का काम कर रहा है, मतलब यह रोकने का कार्य कर रहा है, पास करने का कार्य कर रहा है, तो यह जंक्शन का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही भोजन चला जाएगा, फिर भोजन के जाने के पश्चात जब श्वास लेने की बारी आएगी फिर यह ऐसे खुल जाएगा, खुल जाने के पश्चात श्वास इसमें प्रवेश कर जाएगा और यह इधर बंद कर देगा, हमारे आमाशय की तरफ जो है श्वास नहीं जाएगा, वह हमारे फेफड़े की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रसनी जो होता है यह है ग्रसनी, मतलब ग्रसनी में दोनों प्रकार की संरचनाएं जुड़े होते हैं, एक श्वास नली भी होती है, ग्रसिका भी होती है। तो यह समझ लीजिए ग्रसनी में जंक्शन का भी कार्य होता है। तो गाइस आइए हम लोग ग्रसनी के बारे में लिखते हैं, हम लोग समझ गए कि कैसे अगर श्वास आता है तो कैसे श्वास हमारे फेफड़े में प्रवेश करता है, और अगर भोजन आता है तो भोजन कैसे आमाशय में प्रवेश करता है। जब भोजन आएगा गाइस या जो है या जंक्शन वाला है या पेशी भाग होता है तो यह इसको ढक लेगा, इसको ढकने के पश्चात भोजन ऐसे प्रवेश कर जाएगा, और जब सांस की बारी जाएगी तब यह इसको ऐसे ढक लेगा इधर। इसकी संरचना ऐसे होती है गाइस, यह पत्ती नुमा ऐसे पूरा एकदम भरा हुआ होता है। तो जब जिसको ढकने की बारी रहेगी गाइस यहीं से ऐसे जुड़ा रहता है, फिर यह इधर भी ऐसे आ जाता है, तो इस प्रकार से इसको ढक लेता है। तो गाइस हम लोग इसके बारे में जान लिए, तो अब हम लोग आइए ग्रसनी के बारे में लिखते हैं। तो गाइस अब आइए हम लोग ग्रसनी के बारे में लिखते हैं। तो गाइस ग्रसनी में हम लोगों का पहला जो टॉपिक है, पहला वाला है भाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, ग्रसनी की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। दूसरा, इसका आगे का सिरा मुख गुहा से, इसका आगे का सीधा मुख गुहा से, मुख गुहा से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। तो गाइस यह हो गया इसका आगे का सिरा मुख गुहा से जुड़ा रहता है। और तीसरा पॉइंट इसमें है, तीसरा पॉइंट है इसमें कि मान लीजिए गाइस इसका आगे का सिरा यहाँ मुख गुहा से जुड़ा है और इसका पश्च सिरा जो होता है वह ग्रसनी से जुड़ा रहता है, पर पश्च सिरा वह ग्रसिका से जुड़ा रहता है, पश्च सिरा
ग्रसिका से जुड़ा रहता है, पश्च सिरा ग्रसिका से जुड़ा रहता है, ग्रसिका से जुड़ा रहता है। तो गाइज यह हो गया। तो गाइज यह जो होता है यह भोजन को ग्रसिका में स्रावित करता है, तो हम लोग जानते हैं। अब हम लोगों का जो छठवां है इसमें, अब हम लोग पढ़ेंगे आमाशय के बारे में, ग्रसिका के बारे में, ग्रसनी के बारे में हम लोग जान लिए। तो गाइज अब हम लोगों का जो टॉपिक है वह है ग्रसिका। ओएसोफेगस इसका स्पेलिंग होता है, ओएसोफेगस। तो गाइज ग्रसिका क्या होता है, ग्रसिका की लंबाई जो होती है वह है, आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, इसकी लंबाई लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर तक होती है, 23 से 27 सेंटीमीटर तक होती है। दूसरा यह भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है, यह भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है, यह भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है, यह भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। और गाइस तीसरा, इसकी भित्तियों में, इसकी आंतरिक भित्तियों में, इसकी आंतरिक भित्तियों में एंजाइम स्रावित होकर इसके आंतरिक भाग को एकदम चिकना बना देते हैं, स्रावित होकर आंतरिक भित्ति को चिकना बना देते हैं, आंतरिक भित्ति को चिकना बना देते हैं, आंतरिक भित्ति को चिकना बना देते हैं, आंतरिक भित्ति को चिकना बना देते हैं। तभी तो गाइस जो हम लोगों का भोजन यहाँ से आता है, ग्रसिका से, ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में आता है, तो भोजन हमारा ताकि यहाँ पर रुके न, सीधा फिसलते हुए हमारे आमाशय में चला जाए। तो इसीलिए गाइस इसका जो आंतरिक स्तर होता है, आंतरिक भित्ति होती है, एंजाइमों को स्रावित होने के कारण एकदम चिकनी हो जाती है, जिसके कारण भोजन यहाँ पर रुके न, सीधा हमारे आमाशय में चला जाए। और गाइस जैसे आमाशय में नहीं जाता, यहाँ पर एक रोकने वाला भित्ति होता है, तो जब धीरे धीरे भोजन यहाँ पर एकत्रित होने लगता है तब यह ऐसे खुलता है, और जब खुलने के पश्चात आमाशय में धीरे धीरे भोजन जाता है। तो गाइस यह हो गया। अब इसके पश्चात हम लोगों का जो सतवां है वह है आमाशय। अब हम लोग आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, स्टमक, जिसका स्पेलिंग होता है स्टमक। आइए अब हम लोग सतवां आमाशय के बारे में जानेंगे, सातवां टॉपिक है। गाइस जब हम लोगों का सातवां टॉपिक है आमाशय, आमाशय तो गाइस आमाशय में हम लोगों का पहला पॉइंट, जो यह आमाशय है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, जो यह आमाशय है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है, 25 सेंटीमीटर तक होती है। तो गाइस पहला हम लोग लिखेंगे इसकी लंबाई, लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है, लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है। दूसरा यह लचीले व ढीले ढाले,
पेशीय भागों से बना होता है, पेशीय भागों से बना होता है, पेशीय भागों से बना होता है। अब गाइस यह लचीले ढीले ढाले पेशी भागों से क्यों बना होता है, इसका रीजन है क्योंकि जो यह हम लोग भोजन करेंगे, हम लोग जितना भोजन करेंगे ऐसा तो है नहीं कि हमारा आमाशय इतना बड़ा है तो यह इतना ही बड़ा रहेगा। जब हम लोगों का भोजन ऐसे ग्रसिका से होता हुआ यहाँ से ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में जाएगा तो यह आमाशय फैल जाएगा। जैसे भोजन आमाशय में गया, आमाशय फैल जाएगा, धीरे धीरे आमाशय की ऐसी अवस्था आ जाएगी कि यह फैलना इसका बंद हो जाएगा। तो हम लोगों का जो हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग उससे ज़्यादा अब नहीं खा पाते हैं, ऐसी अवस्था आएगी कि आमाशय का फैलाव बंद हो जाएगा। इसलिए गाय जब भोजन हमारे आमाशय में प्रवेश करता है तो आमाशय फैल जाता है, इसलिए आमाशय ढीले ढाले पेशी भागों का बना होता है। तो गाय जब आइए हम लोग इसमें तीसरा लिखते हैं, इसमें इसमें जठर रस का निर्माण होता है, इसमें जठर रस का निर्माण होता है, इसमें जठर रस का निर्माण होता है। और गाय चौथा कौन से जठर रस हैं, जठर रस तो HCl हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। तो गाय जब हम लोग इसे याद कैसे करेंगे कि जो हमारा आमाशय होता है उसमें जठर रस के द्वारा ये तीनों एंजाइम स्रावित होते हैं। तो जैसे गाइज आमाशय है एक दोस्त है और जठर एक दोस्त है, जठर मतलब घना हो गया, ये दोनों लोग बाजार जाते हैं, आमाशय है और जठर है। तो जो गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रहा है, तो आमाशय जठर से कहता है हे पेप्सी ला, हे मतलब ये दोनों लोग बाजार में जाते हैं और एकदम गर्मी पड़ रही है तो ये दोनों लोग देखते हैं पेप्सी की दुकान पर जाते हैं। तो वहाँ पर जो आमाशय है वह जठर से कहता है हे पेप्सी ला, हे पेप्सी ला, हे पेप्सी ला। तो गाइस इसके द्वारा हम लोग ट्रिक बनाए हैं, तो हे के द्वारा हम लोग हे से यच हो जाएगा तो HCl हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सी से पेप्सिन हो जाएगा और ला से लाइपेज हो जाएगा। तो गाइस यह है ट्रिक, तो गाइस यह हो गया हम लोगों का ट्रिक, हे पेप्सी ला, हे से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सी से पेप्सिन और ला से लाइपेज। तो गाइस जठर रस में ये तीन प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। तो गाइज आप लोग इसके ट्रिक के बारे में जान लीजिए, इसे कैसे हम लोगों को याद करना है। तो गाइज अब आइए हम लोग इसमें पांचवा इसमें पॉइंट लिखते हैं, इसमें इसके भित्ति में, इसके भित्ति में जो आमाशय की भित्ति में 2.3 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, 2.3 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। गाय जितनी ग्रंथियां इसकी जो जठर रस की हैं वो आमाशय में पाई जाती हैं। और गाय जिसमें छठवां क्या है, इसमें आंतरिक भित्ति में, इसमें आंतरिक भित्ति की रक्षा श्लेष्मा करता है, आंतरिक भित्ति की रक्षा श्लेष्मा करता है, श्लेष्मा करता है। गाइजिया हो गया इसमें 6 पॉइंट, और इसमें क्या होता है सातवां, जठर रस भोजन को, जठर रस भोजन को भोजन को वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में विखंडित कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में विखंडित कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में विखंडित कर देते हैं।
विखंडित कर देते हैं। तो गाइस यह होता है आमाशय में जब हमारा भोजन आता है तो हमारे भोजन का क्या होता है। तो गाइस पहले तो जो हम लोग आमाशय के बारे में जान लेते हैं, आमाशय की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसके पश्चात जब यह भोजन यहाँ पर आया, यह भोजन यहाँ पर आया आमाशय में आया, आमाशय में आने के पश्चात जो आमाशय का भाग है यह थोड़ा सा फैल गया। फैलने के पश्चात इसीलिए इसकी चौड़ाई निश्चित नहीं है कि इसकी इतनी चौड़ाई होती है, क्योंकि भोजन आने के पश्चात इसकी चौड़ाई फैल जाएगी और भोजन कम होने के पश्चात इसकी चौड़ाई सिकुड़ जाएगी, इसलिए इसकी चौड़ाई नहीं है। तो यहाँ पर भोजन आया, फिर इसके पश्चात इसमें जठर रस का निर्माण होता है। जो आमाशय है इसमें जठर रस का निर्माण होता है। तो जठर रस का निर्माण हुआ, जठर रस कैसा होता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। तो जठर रस अम्लीय माध्यम तैयार किया, जठर रस कौन से एंजाइम को स्रावित करेगा, तो पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करेगा, पेप्सिन का करेगा, लाइपेज करेगा। फिर इसके पश्चात इसके आंतरिक वृत्त में जो जठर रस, जो जठर रस की ग्रंथियां होती है वह 2.3 करोड़ तक होती हैं, जठर रस की ग्रंथियां। फिर इसके पश्चात इसके आंतरिक परत की जो रक्षा करता है वह क्या करता है, जो इसमें आंतरिक परत की रक्षा करता है वह श्लेष्मा। तो गाइस जैसे मान लीजिए आमाशय में हमारा कोई भी, जैसे पहले आप लोग ये सब जान गए कि जो इसमें आंतरिक वृत्त की रक्षा श्लेष्मा करता है और जठर रस जो होता है या अम्लीय माध्यम तैयार करके जो भोजन है इसको इतने टुकड़ों में विभाजित कर देता है, वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में विखंडित कर देता है। तो गाइस आप जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, हमारा जो आमाशय है खाने को पचा देता है। अगर हम लोग आमाशय भी हमारा पेशी भाग का बना है, मांस का बना हुआ है, तो हम लोग जो मांस खाते हैं, जो मुर्गे बकरे इत्यादि का खाते हैं, उसका पाचन कैसे होता है। तो गाइस इसके लिए जो होता है आमाशय जो होता है वह भले ही मांस का बना होता है लेकिन उसके सेफ्टी के लिए वहां पर श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। यह जो श्लेष्मा झिल्ली होता है या आमाशय के यहाँ प्रत्येक भित्ति दीवारों पर इस प्रकार से लगा होता है, जो श्लेष्मा झिल्ली होती है हमारे आमाशय की भित्ति दीवारों पर ऐसे ही लगी रहती है। जो जब हम लोग मांस को खाते हैं तो यहाँ पर आया, तो यह जो श्लेष्मा झिल्ली है इसको तो यह सुरक्षित करेगा, इसको तो वह नष्ट नहीं करेगा। तो श्लेष्मा झिल्ली इसको सुरक्षा प्रदान करेगा और जो हम लोगों का मांस है या जैसे जो वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हैं इसे तो वह जो है वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में जो हम लोग मांस खाए हैं उसको वह अपचयित कर देगा, उसे वह पचा देगा। और हमारा आमाशय मांस का बना होता है तो यह गलने न पाए, जैसे यह नष्ट न होने पाए, इसके लिए यहाँ पर श्लेष्मा का आवरण लगा होता है। तो गाइस यह हम लोग जान गए आमाशय में कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं खाना तो पच जाता है लेकिन जो आमाशय में हम लोग मांस खाते हैं वह कैसे पचता है। मांस तो हमारा आमाशय भी है, वो उसे भी पचना चाहिए लेकिन वह नहीं पचता, तो उसके सुरक्षा के लिए श्लेष्मा का आवरण होता है। तो गाइस हम लोग आमाशय के बारे में जान लिए और आमाशय जो होता है वह विभिन्न प्रकार के पशु में विभिन्न विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे हम लोगों को भोजन खाना है, भोजन का पाचन करना है, तो हम लोगों का आमाशय छोटा होगा। जैसे जो पशु होते हैं वो हरे पत्तियों को खाते हैं तो उनमें जो होता है विशेष प्रकार के एंजाइमों का पाचन करना होता है, तो इसलिए उनका जो उनका आमाशय होता है वह बहुत बड़ा होता है ताकि उसमें वह 5 खंडों में टूट सके, वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण इत्यादि में वह टूट सके। तो गाइस यह हो गया आज का हम लोगों का जो है आमाशय के बारे में। अब हम लोग इसके बाद हम लोगों का जो 8वां टॉपिक है वह है यकृत। अब हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे कि लीवर क्या होता है या कहाँ पर स्थित होता है, लीवर के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, लीवर किससे बना होता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ क्या होती हैं, हम लोग इन सब के बारे में अब पढ़ेंगे। तो गाइस हम लोगों का 8वां है वह है लीवर, यकृत। गाइस जब हम लोगों का 8वां है लीवर यकृत जिसका स्पेलिंग होता है लीवर। तो गाइस जो लीवर है यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका भार 1500 ग्राम होता है। यह बहुभुजी पिंडों का बना होता है। बहुभुजी पिंडों के द्वारा जो होता है पित्तरस का स्राव होता है। जो पित्तरस होता है वह पित्ताशय में एकत्रित होता है। पित्तरस के द्वारा हमारा भोजन जो होता है वह क्षारीय माध्यम में बनता है। तो गाइस आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। इसमें जो हम लोगों का पहला टॉपिक है या हम इसे हम लोग लिखेंगे, यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है।
या हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग है गाइस, जो हम लोगों का दूसरा इससे छोटा अंग है वह है हम लोगों का पैनक्रियाज या वो अग्नाशय है। सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है। दूसरा, इसका भार 1500 ग्राम होता है। इसका भार 1500 ग्राम होता है तक होता है, 1500 ग्राम तक होता है। तीसरा, यह बहुभुजी पिंडों द्वारा बना होता है। जो हम लोगों का लीवर है यह बहुभुजी पिंडों द्वारा बना होता है, बहुभुजी पिंडों द्वारा बना होता है, पिंडों द्वारा बना होता है, बना होता है। अब गाइस, ये बहुभुजी पिंड क्या होते हैं, जो इसमें पित्त रस का निर्माण करते हैं उसे हम लोग बहुभुजी पिंड कहते हैं। बहुभुजी पिंडों के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है, बहुभुजी पिंडों के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। अब गाइस, ये पित्त रस मान लीजिए जैसे हमारा एक यकृत है और यह पित्ताशय है ना, यह यकृत है, अगर यहाँ पर पित्त रस का निर्माण हो गया तो क्या ऐसा है कि जो पित्त रस का निर्माण हुआ तुरंत ग्रहणी के द्वारा हमारे छोटे आंत में चलाएगा? नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। जो यह पित्त है, जो पित्त रस है, यह पित्ताशय में एकत्रित होगा। तो गाइस, इसमें जो पाँचवा पॉइंट है, पित्त रस पित्ताशय में एकत्रित होता है, पित्ताशय में एकत्रित होता है। जो हम लोगों का पित्त रस का निर्माण होता है हमारे लीवर में, वो हमारे पित्ताशय में एकत्रित होता है, पित्ताशय में एकत्रित होता है। और गाइस, जो यह पित्त रस है इसका टेस्ट कैसा होता है, इसकी क्वालिटी कैसी होती है? तो यह क्षारीय माध्यम होता है, यह क्षारीय होता है। जो हम लोगों का यह है पित्त रस, यह क्षारीय होता है, पित्तरस क्षारी होता है। तो गाइस, यह हो गया हम लोगों का पित्ताशय यकृत। जो हम लोगों का यकृत होता है इसमें पित्ताशय स्थित होता है। यकृत जो होता है बहुभुजी पिंडों का बना होता है। यकृत का भार जो होता है 1500 ग्राम होता है। यकृत का आकार जो होता है इस प्रकार से होता है। और यकृत में पित्ताशय स्थित होता है, पित्ताशय में पित्तरस स्थित होता है। या पित्तरस स्रावित होकर के जो हमारा यहाँ पर अमाशय में जो हमारा भोजन अम्लीय माध्यम में हुआ है, अब यह ऐसे ग्रहणी के द्वारा आएगा हमारी छोटी आंत में, तो इसके द्वारा भी यह जो पित्तरस पित्ताशय से पित्तरस स्रावित होकर छोटी आंत में आएगा। और जो इसमें भोजन की क्षारीयता है, जो भोजन की अम्लीयता है, या इसके अम्लीयता को दूर करके भोजन को क्षारीय बना देगा। तो गाइस, यह आकार होता है हमारे शरीर में यकृत का, या हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका भार 1500 ग्राम या बहुभुजी पिंडों का बना होता है। बहुभुजी पिंडों के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस एकत्रित होता है पित्ताशय में। और जो इसकी प्रकृति होती है, जो पित्त रस की प्रकृति होती है, वह क्षारीय होती है। तो गाइस, जब हम लोगों का नवा है वह है अग्नाशय, पैनक्रियाज क्या होता है? गाइज, अब हम लोगों का इसमें नवा है अग्नाशय। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। तो गाइज, अब अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय या हमारे यहाँ पर पित्ता जो अमाशय है इसके नीचे व ग्रहणी भाग के मध्य में पाया जाता है। अमाशय हमारे पित्ताशय के जो हमारा अग्नाशय है यह अमाशय के नीचे व ग्रहणी के ऊपर पाया जाता है। यह अमाशय के नीचे व ग्रहणी के ऊपर पाया जाता है। जो हमारा है अग्नाशय, यह जो अग्नाशय है यह हमारे अमाशय के नीचे होता है। पहला यह
आमाशय के नीचे होता है, यह आमाशय के नीचे होता है, नीचे होता है, यह आमाशय के नीचे होता है। दूसरा, इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। और गाय जो तीसरा है, इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। गाय चौथा, यह अग्नाशयी रस को स्रावित करके, अग्नाशयी रस को स्रावित करके भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का अग्नाशय के बारे में, जो हम लोगों का यह अग्नाशय है, अग्नाशय या हमारे आमाशय के नीचे पाया जाता है। इसकी लंबाई जो होती है वह है 12 से 15 सेंटीमीटर तक, इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह अग्नाशयी रस को स्रावित करके भोजन को पचाने में मदद करता है। तो गाइस हम लोगों का अब हो गया अग्नाशय। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे जो यह भोजन है हमारा, यह भोजन जो हम लोगों का आमाशय स्टोमक में है या तो अम्लीय माध्यम में है, और अब जो हम लोगों का पित्ताशय में उपस्थित पित्तरसय या क्षारीय है, और जो आमाशय के द्वारा अग्नाशय रस है या विक्षारी है। तो अब ये दोनों जाकर मिलकर, अब ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर ग्रहणी में। अब इधर से भोजन आएगा, इधर से ये दोनों स्रावित होकर के यहाँ पर मिल जाएंगे, और जो भोजन की प्रकृति है वह क्षारी हो जाएगी। अब क्षारी माध्यम में जो भोजन है वह छोटी याद में प्रवेश करेगा। तो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी याद। अब हम लोगों का जो दसवां है वह है छोटी याद, स्मॉल इंस्टाइन। अब हम लोगों का इसमें जो दसवां टॉपिक है वह है स्मॉल इंस्टाइन, दसवां टॉपिक है स्मॉल इंस्टाइन, छोटी याद, दसवां छोटी आत, स्मॉल इंस्टाइन। तो गाइज अब हम लोग लिखेंगे छोटी आत के बारे में। तो पहला, इसमें भोजन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। दूसरा, भोजन में उपस्थित वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, और गाय जिसमें पाचन जो होता है वह किसके द्वारा अवशोषित होता है, तो इसमें रसांकुर पाए जाते हैं, इसमें रसांकुर पाए जाते हैं जिसके द्वारा जो भोजन में वसा प्रोटीन खनिज लवण अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट होता है उन सबको अवशोषित कर लिया जाता है। तो गाइस यह हो गया।
चौथा है इसकी लंबाई। गाइज पूरे शरीर में सबसे बड़ी हमारी छोटी हाथ की ही लंबाई होती है, 6 से 7 मीटर तक होती है, तक होती है। और गाइज इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। जो हमारी छोटी हाथ होती है इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो गाइज यह हम लोगों का छोटी हाथ, इसमें भोजन क्षारीय माध्यम में प्रवेश करता है। इसके पश्चात इसमें भोजन में जो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, अमीनो अम्ल होते हैं सबका इसमें पाचन हो जाता है। तीसरा, इसमें रसांकुर पाए जाते हैं जिसके द्वारा जो भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होते हैं सबका अवशोषण होता है। फिर इसके पास गाय इसमें चौथा है, इसकी जो लंबाई होती है, जो यहाँ पर हम लोगों का यह छोटी आँत है यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, यहाँ पर ग्राणी के द्वारा मिलते हैं। फिर इसके पश्चात इसका अंतिम सिरा जो होता है वह बड़ी आँत में मिल जाता है। तो गाय जो इसकी लंबाई होती है वह होती है 6 से 7 सेंटीमीटर तक, 6 से 7 मीटर इतनी बड़ी इसकी होती है लंबाई। इसके बाद इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो गाइस यह होता है हम लोगों का छोटी हाथ का कार्य। अब गाइस ये रसांकुर क्या होते हैं आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे गाइस यह है हम लोगों का छोटी हाथ और इसमें हम लोगों का सब वेसल्स उपस्थित होता है, जैसे रक्त, रुधिर वाहिकाएँ सब ऐसे ऐसे इसमें उपस्थित होती हैं सब। और मान लीजिए जैसे यहाँ पर भी छोटे छोटे कोशिका द्रव्य हैं सब। अब यहाँ पर ये हमारी इसकी छोटी आँत का इस प्रकार से कुछ ऐसे चित्र होता है। और गाइज यहीं से ऐसे इसमें सब लसिका, सिरा धमनी तो इधर रहता है, बाकी यहाँ से ऐसे ही लसिकाएँ उपस्थित होती हैं इसमें। तो गाइज मान लीजिए जैसे ये लसिका इसमें उपस्थित है, अब हम लोगों का भोजन ऐसे सीधा नहीं जाएगा, अब हम लोगों का जो भोजन है ऐसे ऐसे रहेगा। अब भोजन वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण इत्यादि में ऐसे ऐसे टूटा हुआ है, ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर जो रसांकुर होता है इसकी संरचना ऐसी ऐसी होती है, रसांकुर की संरचना ऐसी ऐसी होती है, थोड़ा रोमेनुमा इसकी संरचना होती है, ऐसे ऐसे रसांकुर की संरचना है ये। तो गाय जब यह जो रसांकुर है इसकी संरचना ऐसी होती है, तो अब ये इसी रसांकुर के द्वारा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर भोजन आया, अब तो भोजन वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि में टूटा हुआ है ना, तो अब इस यह जो है या इसके द्वारा जो ऊर्जा है इसको अवशोषित करके यहाँ लसिकाणु में भेज देगा। फिर यहाँ से इसके द्वारा वेसल्स के द्वारा धीरे धीरे या ब्लड तथा जहाँ पर भोजन की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता है वहाँ पर यह ऐसे चला जाएगा। तो गाइस इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है टॉपिक वह है रसांकुर। रसांकुर के द्वारा इनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। और गाइस जो रसांकुर होते हैं ऐसे ऐसे बालोनुमा छोटे छोटे बालोनुमा संरचना इनकी ऐसे ऐसे होते हैं। तो गाइस जब हम लोग जान लेंगे छोटी याद क्या होता है, छोटी याद पूरे पाचन तंत्र में सबसे बड़ी, अगर सबसे लंबी नलिका का नाम पूछा जाए तो वह है हमारी छोटी याद, सबसे बड़ा अंग का नाम पूछा जाए तो वह है हमारा यकृत, और उससे छोटा अंग का नाम पूछा जाए तो वह है हमारा पैनक्रियाज। तो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी याद, छोटी याद के बारे में हम लोग जान लिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी याद। गाइस ये हम लोगों का छोटी याद, छोटी याद में ही हम लोगों का भोजन का अधिकांश भाग, भोजन का मान लीजिए जैसे 90% तो भोजन जो होता है छोटी याद में ही पचता है, 90% छोटी याद में ही भोजन पचता है। तो गाइस जब हम लोगों का 11वां है वह है बड़ी याद, जो 10% बचा रहता है। बड़ी याद का मेन कार्य होता है या केवल जो छोटी याद के द्वारा पचित भोजन होता है उसमें यह जल को अवशोषण करता है। तो गाइस जब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी याद, लार्ज इंस्टाइन, बड़ी आंत, गाइस बड़ी याद क्या होता है अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लार्ज इंस्टाइन, लार्ज इंस्टाइन। तो गाइस आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, इसका ताप अधिक होता है, इसका ताप अधिक होता है, इसका ताप अधिक होता है। दूसरा,
इसकी लंबाई केवल 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर होता है। लेकिन गाइस जो इसकी चौड़ाई होती है वह सबसे अधिक होती है, जो हमारे पाचन तंत्र में जो इसकी चौड़ाई होती है वह सबसे अधिक होती है। या हमारा छोटी आंत है, छोटी आंत की चौड़ाई 1.5 केवल 2.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जो हमारा बड़ी आंत होता है इसका जो होता है 4.7 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। तो गाइस इसमें तीसरा हम लोग लिखेंगे इसकी चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर होता है, 4.7 सेंटीमीटर होता है। तो गाइस यह है इसकी चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर होता है। और चौथा है इसमें जल का अवशोषण होता है। इसमें जल का अवशोषण होता है, इसमें जल का अवशोषण होता है। और गाय पांचवा, इसमें भी जो रसांकुर पाए होते हैं वह पाए जाते हैं, इसमें रसांकुर पाए जाते हैं। अभी हम लोग जाने रसांकुर का कार्य क्या होता है, स्मॉल इंस्टाइन में हम लोग अभी पढ़े हैं। रसांकुर जो होता है रेशेनुमा संरचना होती है, यही भोजन में ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो इसमें रसांकुर होते हैं गाय। जिसके पश्चात छठवां है, फिर यह अपशिष्ट भोज्य पदार्थों को मलाशय की तरफ भेज देता है, या गुदा द्वार की तरफ भेज देता है। पदार्थों को गुदा द्वार की तरफ भेज देता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का लार्ज इंस्टाइन। बड़ी याद क्या होती है, तो गाइस जो होता है इसका ताप सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ताप इसलिए अधिक होता है क्योंकि यह जो छोटी याद है इसमें जान लीजिए जो भोजन का 90% तक है वह पच जाता है। अब बड़ी याद में वही केवल जो भोजन में जल बचा है वही इसमें पचना है, तो ताप इसीलिए अधिक होता है क्योंकि इसमें इसे जल का अवशोषण करना है, तो जल को अवशोषित करने के लिए इसका ताप अधिक होता है। दूसरा, इसकी लंबाई तो छोटी होती है, जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई छोटी आंत की अपेक्षा बहुत कम होती है, लेकिन जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई बहुत कम होती है। लेकिन जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई बहुत कम होती है लेकिन चौड़ाई अत्यधिक होती है, चौड़ाई इसकी होती है 4.7 सेंटीमीटर। फिर इसके पश्चात गाइस इसमें जल का अवशोषण होता है, पांचवा इसमें रसांकुर होते हैं, छठवा फिर यह अपशिष्ट पदार्थों को गुदा द्वार की तरफ भेज देता है। तो गाइस अब हम लोग पढ़ लिए बड़ी याद क्या होता है, स्मॉल इंस्टाइन व लार्ज इंस्टाइन के बारे में हम लोग जान लिए। तो गाइस जब हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों का इसके पश्चात है परिशेषिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स, ये परिशेषिका क्या होता है अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। गाइस जो हमारा छोटी याद होता है इसका लंबाई सबसे बड़ी होती है, पूरे शरीर में सबसे बड़ी लंबाई किसकी होती है, तो है हमारी छोटी याद स्मॉल इंस्टाइन। और हमारी आंत में सबसे ज़्यादा चौड़ाई किसकी होती है, वह है हमारी बड़ी आंत। तो गाइस ये हम लोग जान लिए। अब इसमें हम लोगों का बारहवां है जो वह है परिशेषिका, अपेंडिक्स, बारहवां परिशेषिका। अपेंडिक्स तो गाइस पहला, यह कच्चे भोजन को पचाने के लिए
एंजाइम को स्रावित करती है, एंजाइम को, एंजाइम को स्रावित करती है, एंजाइम को स्रावित करती है गाइज। और हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए गाइज, हम लोग तो पके भोजन हमेशा खाते हैं, जो हम लोग कच्चे भोजन खाएंगे, जैसे मान लीजिए कच्चे भोजन हम लोग सब्जी खा लिए, फल खा लिए, ये सब जो कच्चे भोजन होते हैं, कभी कभी अगर इनका पाचन नहीं होता है यहाँ पर, तो जो यह हमारा परिशेष क्या है यहाँ पर, जो इसकी संरचना इतनी बड़ी होती है, यह कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों को स्रावित कर कर इनको पचाता है, इनको पचाता है। अगर गाइज मान लीजिए जैसे हम लोग चावल खा रहे हैं, अगर हमारा चावल अच्छे से पचा ना हो, अगर यहाँ पर चला जाए, जो हमारा परिशेषिका होता है बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही नाजुक स्थान होता है, अगर यहाँ पर हम लोगों का जो चावल है अगर चला जाए, तो धीरे धीरे यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होने के पश्चात यह जो है एक बड़े से मतलब बहुत है भयंकर रोग का निर्माण कर देगा। तो गाइज इसके निवारण के लिए जो डॉक्टर होते हैं वह शल्य चिकित्सक के द्वारा जो हमारा अपेंडिक्स होता है इसको काट के निकाल देते हैं। अगर गाइज इसको काट के निकाल भी दे तो हम लोगों के शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइज आजकल के समय में कोई कच्चा भोजन खाता नहीं है। पहले के समय में लोग कच्चे मांस खाते थे, कच्चे भोजन खाते थे, हरी सब्जियां खाते थे, तो उस समय जो परिशेषिका था वह कार्य करता था, लेकिन इस समय लोग पके हुए भोजन को खा रहे हैं, अच्छे से पका कर खा रहे हैं, तो इसमें परिशेषिका का कोई कार्य नहीं होता है। अगर धीरे धीरे परिशेषिका का कोई कार्य नहीं हुआ तो यह खुद ही स्वयं ही कुछ हानिकारक एंजाइमों का निर्माण करने लगेगा, जिससे हमारे आंत में इन्फेक्शन होने लगेगा। तो इसलिए डॉक्टर जो होते हैं या हमारे परिशेषिका अपेंडिक्स को काट कर निकाल देते हैं, इससे हमारे शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पश्चात गाइज अब हम लोगों का है 13वां, सबसे अंतिम है, वह है गुदा द्वार। 13वां है गुदा द्वार, गुदा द्वार 13वां जो है वह है गुदा द्वार, रेक्टम, रेक्टम। रेक्टम क्या होता है? तो गाइस गुदादार क्या होता है, यह जो बड़ी आंत है, छोटी आंत से भोजन यहाँ पर आया, बड़ी आंत से भोजन ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ पर आते आते ऐसे यहाँ पर आ गया। क्योंकि गाइस जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत में जो है भोजन का पूरा पाचन हो गया है, अब जो बचेगा, बड़ी आंत में केवल सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण होता है, अब जो यहाँ पर बड़ी आंत है इसमें जल का अवशोषण हो गया, तो जो भोजन बचा है वह भोजन केवल अब अपशिष्ट बचा है, इसका कोई भी कार्य नहीं है। तो जो अपशिष्ट भोजन होता है, बड़ी आंत से आया हुआ अपशिष्ट भोजन होता है, जो वह गुदा द्वार के द्वारा बाहर निष्कासित हो जाता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, बड़ी आंत के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा आया हुआ भोजन, बड़ी आंत के द्वारा आया हुआ अपशिष्ट पदार्थ, बड़ी आंत के द्वारा आया हुआ अपशिष्ट पदार्थ, बड़ी आंत के द्वारा आया हुआ अपशिष्ट पदार्थ, बड़ी आंत के द्वारा आया हुआ अपशिष्ट पदार्थ गुदा द्वार के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। गुदा द्वार के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, गुदा द्वार के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो गाइज आज का हम लोगों का पाचन तंत्र का पूरा टॉपिक हो गया, कर दिया जाता है। तो गाइज यह हो गया आज का हम लोगों का पूरा जो है पाचन तंत्र का टॉपिक। गाइज हमारा पाचन तंत्र में जो होता है, मुख से ही पाचन की क्रिया शुरू होती है। मुख में किसके द्वारा? जो कर्णपूर ग्रंथि होता है, जिसमें लाइसोजाइम और टाइलिन नामक एंजाइम प्राप्त पाए जाते हैं, या हमारे भोजन के जो मंड होते हैं, भोजन के मंड को ग्लूकोज में नहीं शर्करा में रूपांतरित कर देते हैं, जो भोजन का मंड होता है या उसे शर्करा में रूपांतरित कर देता है। शर्करा में रूपांतरित करने के पश्चात भोजन का स्वाद जो होता है वह मीठा हो जाता है, और जो होता है हमारा जीभ, इन सभी इनके द्वारा स्रावित सभी प्रकार के एंजाइमों को अच्छे से भोजन में मिला देता है, जिससे भोजन फिसलन द्वारदार हो जाता है और नली में धीरे से वह फिसल जाता है, आराम से वह आमाशय तक पहुँच जाता है। तो गाइस आइए हम लोग फिर से एक बार जान लेते हैं, गाइस यह हमारा भोजन है,
भोजन ऐसे है, भोजन को हम लोग खाए, भोजन हमारा मुख में आया, मुख में दांतों के द्वारा चबाया गया और विभिन्न प्रकार के लार ग्रंथियों के द्वारा जीभ से मिलाया गया, फिर यहाँ से आया धीरे धीरे ग्रसिका से आया। ग्रसिका से लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। ग्रसिका जो होता है, ग्रसिका समझ लीजिए या जक्सन का कार्य करता है, या श्वास नली व ग्रसिका, ग्रसनी जो होता है वह जक्सन का काम करता है, या श्वास नली व ग्रसिका दोनों को इसमें भोजन के भोजन जाते समय उसको बंद करता है, या श्वास नली को और श्वास लेते समय भोजन नली को बंद करता है। फिर यहाँ से भोजन आता है ग्रसिका में। ग्रसिका की लंबाई जो होती है वह 23 से 27 सेंटीमीटर होती है। ग्रसिका के द्वारा हमारा भोजन आता है हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में। आमाशय में आने के पश्चात आमाशय में जठर रस स्रावित होने के कारण वहाँ पर हे पेप्सी ला, हे से हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सी से पेप्सिन, ला से लाइपेज। तो यहाँ पर यह तीनों प्रकार के जठर रस स्रावित होकर के इसे वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि में तोड़ देंगे। तोड़ने के पश्चात फिर यहाँ पर आएगा छोटी याद में, और छोटी याद में आने से पहले जो यकृत से, जो यकृत के पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होगा यहाँ पर मिलेगा, और जो अग्नाशय से अग्नाशय रस होगा स्रावित होगा यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर मिलने के पश्चात छोटी याद के द्वारा जो है, छोटी याद में आने के पश्चात जो इसका माध्यम बन जाता है यहाँ पर आमाशय में, तो भोजन का माध्यम अम्ली रहेगा। लेकिन जब आमाशय से भोजन छोटी याद में आएगा, आमाशय से भोजन छोटी याद में आएगा, तब जो भोजन का क्वालिटी होता है वह होता है क्षारीय हो जाता है। तो भोजन क्षारीय हो जाता है। क्षारीय होने के पश्चात जब भोजन छोटी याद में आएगा तो भोजन में जो वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, इमीनो अम्ल इत्यादि सब रहेंगे, तो वह छोटी आंत में जो रसांकुर पाया जाता है उसके द्वारा अवशोषित हो जाएंगे। उसके द्वारा अवशोषित होने के पश्चात 90% जो होता है भोजन वह होता है छोटी आंत में पच जाता है। 90% भोजन छोटी आंत में पचने के पश्चात अब यहाँ से जो भोजन का कुछ जल की मात्रा भोजन में रहती है या अब आ जाती है हमारे बड़े लार्ज, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें आ जाता है बड़ी याद में। बड़ी याद में आने के पश्चात अब यहाँ पर भोजन में जो जल है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। इसके पश्चात भोजन सूखा व अपशिष्ट बन जाता है। तो जो हमारा बड़ी याद होती है भोजन को सूखा व अपशिष्ट जो होता है उसे गुदा द्वार की तरफ भेज देता है। और जो गुदा द्वार होता है जिसे हम लोग मलाशय भी बोल सकते हैं, तो मलाशय में जो अपशिष्ट भोज पदार्थ उपस्थित होगा, अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होगा, वह हमारे गुदा द्वार के द्वारा बाहर निष्कासित हो जाएगा। और जो हमारा परिशेषिका है, परिशेषिका होता है वह जो एक विशेष प्रकार के एंजाइम को स्रावित करता है। जो हम लोग कच्चे भोजन को खाते हैं, कच्चे भोजन को पचाने में परिशेषिका मदद करता है। लेकिन आजकल के समय में परिशेषिका रोगों का ही कारण बन रहा है। क्योंकि लोग आजकल के समय में कच्चे भोजन को खाते नहीं हैं। क्योंकि पहले के लोग कच्चे मांस, कच्ची सब्जियां इत्यादि सबको खाते थे, तो उसमें सेलुलोज को पचाना था, इसलिए हमारा जो परिशेषिका था वह एंजाइम को स्रावित करता था। लेकिन अब लोग पके भोजन को खा रहे हैं, तो या इसके एंजाइम को कोई मतलब समझ लीजिए या हमारे शरीर में इसका कोई कार्य ही नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे यह विषैले एंजाइम को स्रावित करेगा, तो यह रोग का निर्माण करेगा। तो डॉक्टर इसे शल्य चिकित्सा के द्वारा हमारे अपेंडिक्स को काट कर निकाल देते हैं, जिससे हम लोगों का पूरा शरीर तब अच्छे से कार्य करने लगता है। तो गाइज आज का हम लोग पढ़ लेंगे पाचन तंत्र के बारे में। अब गाइज जो हम लोगों का कल का लेक्चर रहेगा स्टरडे, कल का हम लोगों का लेक्चर है वह है श्वसन तंत्र। तो गाइज कल का हम लोगों का लेक्चर है श्वसन तंत्र, कल हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज आज का वीडियो बस यहीं तक। गाइज आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, गाइज आपको अच्छा लगेगा ही क्यों, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत किया गया है, क्योंकि इस प्रकार से मैंने लिखाया है ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को मैंने टॉपिक बाय टॉपिक इसलिए समझाया ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए, और मैंने आप लोगों को फिगर बना करके भी समझाया। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए।